हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड में। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल से हनुमान जी की वॉल हैंगिंग, जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए फटाफट DIY को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैंने लिया है एक स्क्वायर MDF कटआउट्स, एंड उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है जैसो। जैसो अप्लाई करने के बाद में आपको करना है इसे पेंट, और पेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक्रिलिक ऑरेंज कलर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे येलो या रेड भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज किया है। तो अब ये पूरी तरह से कलर्ड हो गया है, और अब इसके ऊपर हम बनाएंगे स्केच। आप चाहे तो डायरेक्टली इसके ऊपर भी स्केच कर सकते हैं, या आप किसी पेपर से इसे ट्रेस भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक पेपर पे स्केच बनाया, और उसके बाद में इस तरह से इसे प्रेस करते हुए ट्रेस कर लिया। सो ये हमारे हनुमान जी की ड्राइंग बन गई है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अब मैंने लिया है ये फेविक्रिल का मोडलेट क्ले, जिसमें आपको दो क्ले मिल जाते हैं, जिसे दोनों को मिक्स करना था इक्वली, एंड मिक्स करने के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिगर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम 3D फिगर्स बनाएंगे हनुमान जी की। तो इसके लिए मैंने फेस के लिए एक छोटा सा राउंड क्ले बना लिया है और फेस पे स्टिक कर लिया। साथ ही मैंने बालों के लिए एक छोटा सा राउंड लिया है, एंड ज्वेलरी के लिए भी मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए क्ले के, और इस तरह से हाथों के ऊपर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं हनुमान जी के गले एंड हाथों के लिए और बालों के लिए मैं रुद्राक्ष की माला बनाने वाली हूँ। तो माला बनाने के लिए मैंने लिया है ये छोटे छोटे गोल से क्ले, और उसे पहले मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर दिया है MDF बोर्ड के ऊपर, एंड उसके बाद में मैंने कटर के पॉइंट से उसके ऊपर छोटे 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 होल कर दिए, ताकि उसका लुक जो है वो रुद्राक्ष जैसे लगे। तो इस तरह से मैंने हाथों के लिए, गले के लिए और बालों के लिए मैंने रुद्राक्ष बनाए हैं, और ये क्ले के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े से गोल गोल बना के मैंने इस पर स्टिक कर लिया। अब मैंने हनुमान जी के गधे को बनाने के लिए इस पर थोड़ा सा एक फ्लैट क्ले लगा दिया है, एंड साथ ही एक छोटा सा राउंड क्ले इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। एंड रुद्राक्ष लुक देने के लिए मैंने इस तरह से कटर के पॉइंट से सारे राउंड्स क्ले के ऊपर इस तरह से छेद कर दिया है, ताकि वो रुद्राक्ष जैसे लगे। तो एंड गधा के को भी अच्छे से लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कट्स मार दिया है। तो इस तरह से आप ज्वेलरी और जो फेस का 3D लुक है वो दे सकते हैं। साथ ही बॉर्डर पे मैंने इस तरह से क्ले को एक थ्रेड जैसा बनाकर पूरे बॉर्डर पे स्टिक कर दिया है फेविकॉल की हेल्प से। उसके बाद में मैंने इस क्ले के ऊपर कटर से मार्क किया है, ताकि वो छोटा सा पैटर्न दिखे ट्विस्ट वाला। तो इस तरह से कटर से कट करते हुए मैंने ट्विस्ट कट दिया है। उसके बाद में मैंने दो छोटे छोटे रिंग्स लिए हैं, जिसे मैंने क्ले की हेल्प से बॉटम एंड टॉप पे स्टिक कर दिया है, ताकि मैं इसके ऊपर हैंग करने के लिए टैसल्स लगा सकूं। तो इस तरह से मैंने बॉटम एंड टॉप दोनों साइड पे लगा दिया है, एंड उसे भी मैंने कटर के पॉइंट से इस तरह से छेद कर दिया, ताकि वो भी रुद्राक्ष जैसे लगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा क्ले से 3D वर्क हो गया है, और पूरी तरह से हमने जहाँ जहाँ पे हमें क्ले का इस्तेमाल करना था वहाँ हमने फेविकॉल से स्टिक कर लिया है। अब हम इसे पेंट करेंगे, और पेंट के लिए आप किसी भी एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस के लिए क्रीम कलर, बालों के लिए ब्लैक, फेस के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है, रेड कलर माथे की टिक्की के लिए, एंड रुद्राक्ष के लिए मैंने ब्राउन कलर इस्तेमाल किया है, ताकि वो ओरिजिनल रुद्राक्ष दिखे। साथ ही मैंने हनुमान जी के गधे एंड ज्वेलरी के लिए मैंने गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है, एंड साथ ही आँखों को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक एक्रेलिक कलर का, एंड बॉर्डर पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर किया है। अगर आप ब्रश का इस्तेमाल में कंफर्टेबल ना हो, तो आप स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परमानेंट स्केच मार्कर है, तो इस तरह से आप स्केच मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर को हाईलाइट करने के लिए। साथ ही अगर आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है जय श्री राम, तो उसके लिए भी आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थोड़े से मैंने स्क्वायर मिरर्स का इस्तेमाल किया है बॉर्डर पे, एंड टैसल्स लगाया है बॉटम पे। तो इस तरह से जो कि मेरा
ब्यूटीफुल सा हनुमान जी का वॉल हैंगिंग है वो रेडी हो गया है। एंड सच में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और आप इसे ना ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है एंड आपको भी खुशी होगी इस तरह की वॉल हैंगिंग को कंप्लीट करने के बाद। एंड फ्रेंड्स, सारे प्रोडक्ट एंड कलर की डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।